मैं फटा जूता लगा के चला हूँ, छोड़मत बूट लगी उसमें पाकन, छनमत कमीज लगी शेन सतन दनस में ऐसा कमीज लगी, लेकिन अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। और आज उसी का कारण है कि अल्लाह मुझे किसी के सामने मतलब सर नहीं झुकाने देता। साइकिल पर गुमित कुछ साथ रिपोर्टिंग कर ली, था ही नहीं साइकिल, आता कहाँ से, पैसे ही नहीं थे, साइकिल भी नहीं था, मैं था ही नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 रुपया दिवान गरी किराए, बस कुछ करा बचना बचा, वो योर लागन वो और लागन पता वो रुपये बचन तुम उस बेग दो खतर थावन वो जमा करना, अगर हफ्ते समान रुपये 60-70 रुपये पता सुई बेग हफ्ते यूज करा। तो क्या अब माँ बाप इस फील्ड में आपके खुश है? आप यकीन मानेंगे, आज जब मैं सुबह सोया ही होता हूँ, मेरा बाप आता है, इमरान साहब नेबर कन चुकम तम पे आम घर आए होते लोग मिलने के लिए, हालांकि बुझ का पब्लिक मतलब मैं सिंपल कह रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट लोगों का खादिम है। सही बात है कि मे सर सारे मे दोन दोन पोहन बहुत कर ठेक उस कर सके बाक चीज मटीरियल घर ये मतलब उस तेज नीड थी बहुत दोन दोन पोहन खालन सो मेख सेरी पैसे चाहिए था खुद पे, क्योंकि बाप पे कितना बोझ डालता मैं, लेकिन तब भी बाप ने आज तक जो मैंने कमाया था उस वक्त में ये लाकुट सोने अठनी तरह सो दिन लाख पानस तो पानस। और आज अल्लाह के फजलो करम से आज रिसेंटली आपको भी पता होगी कि मुझे अपने बाप पे फख्र है कि उसने हमें उस सहारे के अंदर पा उस वक्त के अंदर पाला है जिस वक्त में मुझे लगता है अगर कोई और होता तो नहीं पाल पाता। कि कुछ बातें अधूरी सी रह गई, कुछ मुलाकातें भी अधूरी सी रह गई। हाँ गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफलो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सुहेल मकबूल का प्यारो बड़ा सलाम पेशो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गदगद की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। नाज़िर मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में मेरे से बातचीत करने के लिए या जो मेहमानी गुफ्तगू मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कश्मीर के अतराफ अक्ताब से इनको लोग अपनी रिपोर्टिंग से जानते ही होंगे। जी हाँ नाज़िर किराम, इस वक्त मौजूद है शहर श्रीनगर के पोलोवे में, और मेरे यहाँ पर राइट साइड में मौजूद है वॉइस ऑफ कश्मीर के एडिटर इन चीफ शेख इमरान साहब। आज इनसे मज़ीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आए रोज़ जो है आप देखते होंगे कि जो ही पुलिस का प्रेस नोट जो है सामने निकल कर आता है तो अलग अलग जो है कैप्शन वहाँ पे दिए जाते हैं, खासकर ये भी कैप्शन वहाँ पे दिया जाता है कि कैंसर स्प्रेडर या बाकी ज़्यादातर जो है क्राइम रिपोर्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है इनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आए रोज़ जो है कई लोगों के इंटरव्यूज़ भी आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनका इंटरव्यू हम लेंगे। तो सबसे पहले इमरान भाई आपका वेलकम है हमारे इस ताज़ा शुमारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने आज मौका दिया, पहली बार तो नहीं हो रहा है बट दूसरी चौथी बार हो रहा है कि मैं दुनिया का इंटरव्यू करता हूं, कश्मीर में 8-9 साल से करता आया हूं और आज मेरा भाई ही मेरा इंटरव्यू कर रहा था। तो इमरान भाई मुझे बताएगा खासकर आपका ताल्लुक कहां से है, कई नाज़रों किराम जानना चाहते हैं कि इमरान भाई जो है श्रीनगर का रहने वाला है या गांधरबल से इनका ताल्लुक। देखिए मैं बेसिकली श्रीनगर का रहने वाला हूं, और असल में अगर देखा जाए मेरी पैदाइश ही श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स जिसको लोग छतरामा के नाम से जानते हैं, और उसके साथ में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है जो हमने किताबों में पढ़ा है बुरजामा के नाम से जिसको जाना जाता है, बिल्कुल मेरा ताल्लुक वहाँ पर और मेरी पैदाइश भी वहीं पर हुई है। और उसके तो स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग कहाँ पे हुई है आपकी? देखिए मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी स्कूलिंग उस स्कूल में हुई है जो स्कूल उस वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा नॉमिनेटेड था न्यू सनफ्लावर के नाम से, और उस सनफ्लावर स्कूल के अंदर अगर देखा जाए जो हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर शुरुआत उस स्कूल की उन्होंने ही की थी, और उस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है और करीबन 8वीं तक 10वीं जमात तक मैंने वहाँ पर स्कूलिंग की, और उसके बाद फिर मेरी स्कूलिंग जो है तेलबल हायर सेकेंडरी के अंदर हुई है। उसके बाद कॉलेज लेवल की अगर बात करें, चूँकि घर वालों का शौक था कि इंजीनियर बने, और उसके बाद मैंने आप ही की गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वहाँ पर अपने सिविल इंजीनियर का कोर्स किया है। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है वहाँ पे, तो फिर अचानक इस जर्नलिज्म में आना कब और कैसे आप इस सोहापत के मैदान में? देखो सुहेल, बात कुछ इस तरीके की है कि ये बात 2014 की है, 2013 की बात है। मैं अपने घर से निकला और मेरी शुरुआत, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन से हुई है जो उस वक्त में सेकंड लीडिंग इंग्लिश प्रेस था, कश्मीर रीडर के नाम से उसको लोग जानते थे। और अभी अगर आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को देखते हुए चलाते हुए देखते हो या न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर्स हैं मैनेजिंग एडिटर्स है वो सारे उसी के प्रोडक्ट है। और 2013 में ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, चूँकि हालत वैसी थी, काम करने निकलना पड़ा था, और वहाँ पे मैं एज मार्केट के एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था। शौक था इस फील्ड में आने का, शौक
लेकिन मजबूरी में बदल गया क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि पैसा चाहिए था कमाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पर आया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम मुझे मिला कश्मीर रेडर में, लेकिन एक चीज़ बेनिफिट था कि उस्ताद अच्छे मिले, गाइड अच्छे मिले, मारूफ अब्दुल्ला सर जैसे लोग मिले, काजी सर जैसे लोग मिले जो इस वक्त एडिटर इन चीफ हैं इंडियन न्यूज़ सर्विसेज के, ग्रेटर कश्मीर के लिए लिखते हैं, ग्रेटर कश्मीर में हेड करते हैं, बाकी न्यूज़पेपर्स में हेड करते हैं, वैसे उस्ताद मिले सिखाने के लिए। शुरुआत वहाँ से दरअसल कैरियर की हुई, मैं वहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जी, सुबह निकलता था ऑफिस के लिए और फिर जो मेरा काम था कई भी कभार मार्केटिंग में जाकर न्यूज़पेपर्स की बिक्री करना, एडवर्टाइजमेंट्स लेके आना, उसके बाद फिर स्कूल जाना, स्कूल के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करना, तो ये मेरा मामूल बन गया था 2013 के अंदर, 2014 तक, 2015 तक करीबन 2.5 साल मैंने वहाँ पर किया है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सुहेल, वो एक ऐसा वक्त है अगर आज मतलब अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की इज्जत देने वाला रब है कोई जानता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला क्रेडिट जो है उसी इंस्टीट्यूशन को जाता है जो मैंने वहाँ पर करीबन 2 साल गुजारे हैं। खासकर उस टाइम आपकी उम्र क्या थी जब आप इस सहाफत के मैदान में आए? हार्डली 16 या 15, आप 16 सहाफत के मैदान में नहीं आया था, बेसिकली मैं मजदूरी के लिए आया था, सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हालात वैसी थी और वो स्टेबल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मेरा फादर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज वो परमानेंट जॉब है उसकी, वो कैजुअल लेबर जॉब करता था, मेरे भाई भी है, मेरे और एक भाई भी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुहेल मतलब बाप का वो देखना, तड़प कर देखना वो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं सोचता था यार क्यों ना एटलीस्ट अगर बाप घर चला रहा है मैं खुद को चला पाऊं, तो वहां से शुरुआत हुई। लेकिन शौक था, ये नहीं कि खाली मैं मजदूरी करने के लिए वहां पे जा रहा था एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, नहीं, अलबत्ता वहाँ पे एज मार्केट के एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ मुझे इसी फील्ड में आगे जाना था, क्योंकि घर वालों का शौक था इंजीनियर बने, वो मैंने उस की पढ़ाई करके उनको आपके गांधरबल पॉलिटेक्निक कॉलेज में करके दी, लेकिन अपना जो शौक था कि सहाफत की दुनिया में आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कैरियर शुरू किया। और फिर अभी तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? सबसे पहले मैं अगर सुहेल बता दूं, शुरुआत में घर वाले ही साथ, अभी भी घर वाले ही साथ है, और मुझे अभी भी याद है जब मैं, आप यकीन माने या ना माने, मेरी हार्डली सैलरी 300 से लेके 600 रुपये 700 रुपये तक थी स्टार्टिंग, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, लेकिन अल्लाह उस उन पैसों में भी बरकत देता था जी। और मैं अपने घर वालों, मेरा बाप जो मेरा फ़ख्र है, अगर आप मेरे फ़ोन में देखोगे ना, मेरे फ़ोन में मेरे बाप का नंबर जो सेव है वो माई फ्रीडम के नाम से सेव है, मेरी आज़ादी, ठीक है, क्योंकि उस बाप ने मुझे उस वक्त सहारा दिया है, खुद ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, घर में कोई और चीज़ है। वो तब भी कहता था, मैं घर से निकलता था तो घर में वो हर रोज मुझे सुबह 50, 60, 70 जितना उसे पॉसिबल होता था घर वालों से वो मुझे फेयर के लिए देते थे कि जाओ, हमें पता है कि अल्लाह के फजल करम से आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे और आप हमारा भी नाम रोशन करो। माँ का कैसा रोल रहा इसमें? फर्स्ट डे से लेकर आज तक हर रोज सुबह अगर मुझे कुछ मिला है ना, उसका कारण साफ तौर पर मेरी माँ की दुआ, कभी भी मेरे माँ के मुंह से, या कभी, चूंकि जब छोटी उम्र में थे बच्चा जिद करता रहता है, मैंने अपने माँ बाप को कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की है, हाँ जो कहा है मैच्योरिटी के साथ कहा है, और उनको भी पता है कि ये किसी जगह पर इसको वेस्ट नहीं करेगा जी। अभी भी मुझे याद है मैंने पहला जो लैपटॉप लाया था, बाप ने उधार पैसे लाए थे 10,000 रुपये और उसी 10,000 में मैंने सेकंड हैंड लैपटॉप लाया था, लेकिन बाप को पता था कि ये पैसे जाया नहीं होने देगा और ये इंशाल्लाह रहमान अपने ही तरक्की के लिए इन पैसों को इन्वेस्ट करेगा। और आज तक तो उसके बाद जो है अपना एक पोर्टल चलाना और कश्मीर में नाम बनाना, और ये सुहेल उसके बाद ही नहीं, कश्मीर रेडर के बाद ही नहीं, कश्मीर रेडर के निकलने के बाद मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चला गया, जैसे कि सुबह कश्मीर के अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर है वहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, उसके साथ में सच डेली सच न्यूज़ अगर आप देखोगे वहाँ पर मैं कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, उसके बाद QNS के अंदर 2017 में एज ए डेस्क एडिटर के पोस्ट पे था, और उसके बाद प्रमोट हुआ वहाँ पे एज मैनेजिंग एडिटर, 2019 तक मैं वहाँ पे था, 2 अप्रैल 2019। तो उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंट होकर वहाँ से निकलना पड़ा जी। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई नहीं, गिव अप नहीं करना है। और मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, एक मेरी कोलीग थी बड़गाम से, उसका वापस की, उसने छोड़ दिया, वो किसी और फील्ड में गई थी, लेकिन मैंने तभी कहा था कि जनाब जो मेरे साथ में चलेगा मेरा प्रॉमिस है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम ज़रूर सक्सेस होंगे। लेकिन उस वक्त में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा कि बेसहारा हो गया तो हाथ छोड़ दे, उनने हाथ छोड़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोग जब अल्लाह के फजल करम से अल्लाह इज्जत दे रहा है, लोग प्यार दे रहे, तो वही लोग आज कहीं ना कहीं से पछता रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया। और QNS आप यकीन माने 2019 4 अप्रैल मेरा बर्थडे जिस दिन होता है 4 अप्रैल को, क्या वो कलीग थी या कोई खास था ये मान के चलो कि भरोसा लेके, मतलब मैंने
उसको उस शख्स को अपने साथ उठाया था। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह कामयाब, चूंकि गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहे, लेकिन जो भी कोई काम कर रहे सही काम कर रहे और इंशाल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी देगा। आप साथ रहो, कुछ वक्त तक जरूर मतलब परेशानी होगी, ठीक है, स्ट्रगल होगी, लेकिन आगे जाके इसी स्ट्रगल का फल मिलेगा। और एक शख्स का जो मैं आपके कैमरा पे ऑन एयर नाम ले रहा हूं, अगर शेख इमरान के बाद इस द वॉइस ऑफ कश्मीर का ऑनर कोई है तो वो मेरा भाई है वारिस शाह अनंतनाग का, जो पूरा साउथ देखते हैं हमारा। उसने तब साथ दिया, कहा कि भाई नहीं आज आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कल को जाके आप इंशाल्लाह रहमान सक्सेसफुल होंगे। 2019 से लेकर आज तक धूप हो, बारिश हो, रात हो, दिन हो, वारिस ने कभी साथ नहीं छोड़ा है। और आज मैं समझता हूं कि शेख इमरान के बाद अगर दूसरा कोई खड़ा है वो वारिस है। और साथ साथ में हया सर का भी कंट्रीब्यूशन रहा। 2024 एक स्ट्रगलिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, 2019 4 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा द वॉइस ऑफ कश्मीर, और इसका नाम भी मेरे एक प्रोफेसर ने दिया है जो लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, अभी रिटायर्ड है। उन्होंने कहा था मुझे कि इमरान मैं आपको नाम दे रहा हूँ लेकिन अल्फाज तीन है, लेकिन आपको पता है इसके पीछे पूरे पूरे कश्मीर की वाबस्तगी है, इसके पीछे पूरे कश्मीर की उम्मीदें होंगे। मैंने कहा सर दे दे, उन्होंने कहा कि द वॉइस ऑफ कश्मीर जी। तो पहले स्टार्टिंग में लाइटली ले लिया, लेकिन जब आगे आगे धीरे धीरे करके बढ़ गए, आज वो बातें नहीं, नाम तो है लेकिन आज वो बातें अपने प्रोफेसर साहब की याद आ रही है कि जिसने कहा था कि इसके पीछे उम्मीदें रहेंगे लोगों की, आज वो याद है। 4 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया और उस 4-5 महीने में यहाँ पे चलाया मैंने, 5 अगस्त 2019 तक, और आर्टिकल स्क्रैप हुआ, पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हो गया। कम्युनिकेशन ब्लॉकेड होने के बाद सुहेल मैंने क्या किया, कहा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे पब्लिशिंग करने के लिए, मैं मजदूरी करने के लिए आउटसाइडर स्टेट्स में चला गया किसी ABCD के साथ। बहाना क्या था कि वहां से मैं इनकी पब्लिशिंग कर पाऊं। करीबन 8-9 स्टेट्स में मैं रहकर आया 7 महीने, वहां से इस द वॉइस ऑफ कश्मीर पे पब्लिशिंग की। और जब फिर यहां पर फरवरी के अंदर इंटरनेट वापस रेस्टोर हुआ तो यहां पर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर। इमरान भाई ये भी हमने मालूम किया, खासकर कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि इमरान भाई जो है ये इसने मजदूरी भी की। सर मैं तो कह रहा हूँ, यही से कह रहा हूँ, एक वक्त ऐसा था कश्मीर पर, अगर बच्चों ने सुहेल मानन के मेरी सैर सैर मे दोन दोन पोहर नोस बह ठीक उस कर सके बाकी चीजें मेटीरियल घर ये लग मतलब उस तेज नीड थी बहुत दोन दोन पोहरन खालन सो मे सेख सेरि पैसे चाहिए था खुद पे, क्योंकि बाप पे कितना बोझ डालता मैं, लेकिन तब भी बाप ने आज तक जो मैंने कमाया था उस वक्त में ये लाखों उस सोच में अठी नहीं तरह सोच बना लाख पाना से छपाना। और आज अल्लाह के फजलो करम से आज रिसेंटली आपको भी पता होगी कि मुझे अपने बाप पे फख्र है कि उसने हमें उस सहारे के अंदर उस वक्त के अंदर पाला है जिस वक्त में मुझे लगता है अगर कोई और होता तो नहीं पाल पाता। तो कितनी मुश्किलात आए आज तक जो है, कितने इस सोहापत के मैदान में मुश्किलात आए। सुहेल आपको भी पता है अपने शुरुआत में जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया इस आगाज का, इस मुलाकात का, आपने कहा कि जब भी कोई पुलिस का प्रेस रिलीज आता है बेसिकली एक गलत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, वो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए देयर आर डिफरेंट बीट्स इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, जैसे आपके क्राइम बीट पे आप काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बीट पे, एंटरटेनमेंट, अदर अदर बीट्स पे, ठीक है, आप डिपेंड है कि आप किस पे काम कर सकते हैं। और इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू वर्क विद द क्राइम बीट, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे साफी हमारे जो सीनियर है, रियाज मसरूर साहब हमारे इंस्पायरेशन रह चुके हैं, वो फील्ड में काम कर चुके हैं। देखो जब आप क्राइम पे काम करते हो तो आपका डायरेक्ट संबंध खाली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होता है, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई क्राइम होता है और उसकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो पुलिस ही फाइल करती है। तो इसी की वजह से पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है हमारे पास इनपुट्स आते हैं तो उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पर हम काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड यू आर वर्किंग ऑन द क्राइम बीट। अब लोग कहते हैं कि जनाब पुलिस ने चाहा एमसेड को, भाई दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ अवर जर्नलिज्म, राइट। तो ये तो एक पार्ट रहा कि क्राइम, आज तक क्राइम को लेकर मैंने काम किया है जितना भी दुश्मन है, साफ तौर पर मैं आपके इंटरव्यू को लेकर ये तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बासन जिसमें पर ड्रग पेडलर जेल आसन गमित बुक उनको पुलिस ने किया, लेकिन तिमन आज दुश्मन शेख इमरान रीजन छू कि उनको पुलिस ने बुक तो किया लेकिन लोगों के सामने उनको मतलब रुसवाई नहीं, एक्सपोज करना कि देखो भाई ये लोग हमारे समाज के दुश्मन है वो शेख इमरान ने किया, जिस भी जो भी कोई रेपिस्ट जेल के अंदर होगा वो शेख इमरान का दुश्मन होगा। तो इमरान भाई मुझे ये भी बताएगा खासकर आपको किस रिपोर्टिंग में ज्यादा मजा आता है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में, सपोर्टेड जर्नलिज्म में, क्राइम जर्नलिज्म में, या जो क्राइम रिपोर्टिंग अभी आप कर रहे हैं किस रिपोर्टिंग में आपको ज्यादा मजा आता है, दिल जो है अच्छा रहता है? देखिए इट्स नॉट एक्चुअली मजा, इट्स
अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट ठीक है आप मैं एक न्यूज पेपर रही हूँ कि एक साथ 50 न्यूज अपने आप पर छाप कर या आगे चला पाऊं मैं केवल एक न्यूज करूंगा दिन में या दो न्यूज़ें कर सकता हूं राइट तो उसकी वजह से पर्टिकुलरली मैं क्राइम बीट पे काम कर चुका हूं क्राइम जर्नलिज्म जिसको आप बोलते हैं वो क्राइम बीट को लेकर पर्टिकुलरली काम कर चुका हूं और आज भी मैं उसी को लेकर काम करता हूं हमारे टीम में अगर देखिए हमारे सीनियर साफी हया जावेद सर है जो मेरे से पिछले 5 साल से रेस वो करंट चीजें वो देखते हैं ठीक है करंट अफेयर्स को वो देखते हैं और भी हमारे और एक दोस्त है कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कैमरामैन आपका कौन है कैमरामैन को आप जो है इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हर एक वीडियो में मैंने किया है हर एक चूंकि देखो क्या होता है कि अभी कैमरामैन का तो बहुत ही अहम रोल है मेन गेम तो कैमरामैन की होती है असली खिलाड़ी तो कैमरामैन ही इस वक्त आपको कैमरामैन को कैमरा कौन करता है देखिए मेरे अभी कैमरा पर्सन दो है पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे एक मीर रईस साहब है एक मुहे बिलाल साहब है मेरे बचपन के दोस्त है ठीक है मैंने उनको कहा है कि भाई मैं आगे चलूंगा तो आप लोगों को साथ में लेके चलूंगा मैं बॉस होने का काम नहीं करूंगा मैं एक लीडर होने का काम करूंगा अगर वो 5 रुपीज इन फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलिज्म इज नॉट ऑल अबाउट द बिजनेस ठीक है बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी योर सेल्फ एज वेल तो मैंने उनको कहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे साथ में है और इस जर्नी के अंदर सुहेल अभी तक मुझे लगता है मोर देन 14-15 कैमरामैन ऐसे होंगे क्योंकि मेरा देखो क्या है मैं रात के 12 बजे भी लाइव आता हूँ जब लोग अपने घरों के अंदर बैठे होते हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं रेडी हूं तो आपको भी रेडी होना चाहिए आप मुझे एक्सक्यूज नहीं दे सकते और मेरे साथ में वही काम कर पाएगा या मेरे साथ में वही काम कर सकता है जिसे जिसके बिल्कुल जिसके अंदर वो जज्बा हो और पर्टिकुलरली सुहेल जिसके अंदर वो एबिलिटी हो कि हर एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो रेडी रहे अब जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया उन्हें फिर छोड़ा ठीक है उसका देखो क्या है सिंपल जब मेरे साथ कोई ज्वाइन करता है उनको पता है कि शेख इमरान बीइंग एज एडिटर नो डाउट कि आई एम द फाउंडर ऑफ दिस वॉइस ऑफ कश्मीर लेकिन मैं कभी कुर्सी पर नहीं बैठा हूं मैं हमेशा 24 घंटे आपको सड़क पर नजर आऊंगा जब मैं खुद काम करता हूं अगर आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते तो आप कैसे मुझे एक्सक्यूज दे सकते कि मुझे नहीं आया तो दिस इज ऑल अबाउट पंक्चुअल रहना पड़ेगा तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो वक्तन फोक्तन आपको याद आता है सर बहुत सारे हैं तो थोड़ा बहुत उनमें से एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको तड़पाता है हमेशा तड़पाता है क्योंकि अगर बात की जाए आपकी तो कभी कभार जो है आपके चेहरे पे उदासी भी छाई हुई होती है और आप जो है हमने कभी नहीं देखा कि आप रोते हुए लेकिन पिछली बार भी हमने एक रिपोर्ट एक देखा हमने उसमें आप बहुत उदास नजर आए देखिए सुहेल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस लाइक टू गो फॉर द फंड रेजिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जर्नलिज्म ये क्लियर है लेकिन फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फॉर द सेक ऑफ आखिरा राइट आप प्रोफेशनल लाइफ आपकी दुनिया तक रहेगी लेकिन उस चीज को हम केवल अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं हाल ही में जो स्टोरी आपने जिसमें आपने इमोशनल की मेरे सामने इतने एनकाउंटर्स में कवर कर चुका हूँ इतने फ्यूनरल्स में कवर कर चुका हूँ इतने सारे वाक्य अटैक्स में कवर कर चुका हूँ बॉडीज देखी है डेड बॉडीज देखी है ब्लड देखा है कभी इमोशनल नहीं हुआ हूँ लेकिन 3 बहनों की कहानी कुछ इस तरीके की थी जिसकी वजह से मेरे अंदर ना वो चीज़ आ गई यार हम फील्ड के अंदर है कल को जाके अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा दिखाएंगे जिस जब अल्लाह पूछेगा यार आपको कुव्वत दी थी कि आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं जरिया बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाए तो उस चीज़ की वजह से जो कहानी आपने सुनी उसमें मैं इमोशनल हुआ अभी भी सुहेल आज मेरी कोशिश ये है कि जो हमारा यू डिस्ट्रक्शन की ओर जा चुका है आज आपने देखा होगा मेरा पर्सनल जो है शेख इमरान जिस पे मैं शाम को इन चीजों पे काम करता रहता हूँ दैट इज वी कॉल्ड इट एज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ठीक है उसमें क्या है अभी अगर आप करंट टाइम पे देखोगे मुझे लगता है कि हमारे 10 नौजवानों में से 8 नौजवान डिस्ट्रक्शन की ओर जा चुके हैं हाल ही में क्या हो गया जिनको हमने एक्सपोज किया सुहेल वो करते क्या है वो अपने ही उन कश्मीरी बहनों की इज्जत को मतलब दिन दहाड़े ये कह सकते भेजते हैं या मतलब उस चीज को मतलब बन गई है सोसाइटी बिल्कुल एलिमेंट्स बन चुके हैं हम चाहते हैं कि जनाब ये समाज क्लियर रहे पुलिस इतना काम कर रहा है अब हम सारा पुलिस के ऊपर तो नहीं डाल सकते भाई हमने पुलिस को ऑलरेडी इतना काम दिया है कि उनका ना दिन है कहीं ना रात है कहीं भाई हमारा बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आप क्राइम करोगे तो आप ये रखोगे कि जनाब आप पुलिस के पास जाएंगे आप क्या करोगे फिर और जब चीज हम करते हैं आप यकीन माने अल्लाह के फजलो करम से अभी तक हम मोर देन 28+ ऐसे नौजवान हैं जिनको हम वापस ला चुके हैं जो एक गंदगी में डिस्ट्रक्शन के अंदर फंस चुके थे ऐसी चीज के अंदर फंस चुके थे कि अगर उनके ऊपर FIR लग जाता वो उनका कैरियर तबाह हो जाता लेकिन हमने क्या किया हमने अपनी जगह ही क्योंकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पुलिस का काम होता है FIR देना लेकिन हमने उनको इस तरीके से ताकि वो मजबूर हो जाए खुद ये चीजें छोड़ने के लिए देखिए पहले आप समझा सकते हैं जी 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 राइट लेकिन आप उस इंसान को क्या समझाएंगे जिसने पूरे समाज को इफेक्ट किया है इसी तरीके से श्रीनगर के अंदर एक लड़का था
जो आज अब माफिया मांग रहा है भाई, आपने पूरे कश्मीर मतलब मैक्सिमम ऐसे जो हमारी बहनों की गलतियों की वजह से वीडियोस वायरल हो गए, चाहे बदकिरदारी के अंदर है किसी और चीज के अंदर, उसको ज्यादा वो बड़ा चला दो नहीं, ढाई साल के पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले जो वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिन पे लोगों को सजा भी लग चुकी है, आज भी आप वही वीडियो वापस सर्कुलेट कर रहे हो। आपको ये भी नहीं पता है कि अंडर 564 ऑफ आईपीसी के तहत आपको किस तरीके की पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ तो अगर आप नॉर्मल फोटो किसी का कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना विदाउट देयर कंसेंट, आपको उस पे जेल लग सकती है, आपको उस पे पनिशमेंट मिल सकती है। फिर जब आप अगर आप न्यूड कोई चीजें इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट शेयर करते हैं, और आज तो शेयरिंग का नहीं ट्रेंड बन चुका है सोहेल, ये एक्सचेंज करते हैं डिजिटल मीडिया पे, जिस जो मेन कारण बन चुका है आज हमारे डिस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से हम ये हालात देख रहे हैं। इमरान भाई मुझे ये भी बताएगा, खासकर जर्नलिज्म से हट के कोई ऐसा वाक्या जो तड़पाता है आपको, हमेशा याद आता है हमेशा जब आप अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट? ऐसे इंसिडेंट्स है सोहेल कि कुछ बातें अधूरी सी रह गई, कुछ मुलाकातें भी अधूरी सी रह गई कुछ लोगों के साथ में। वो कहते हैं ना कि एक शेर मैं आपको बता दूंगा कि गालिब ने लिखा था कि जब मैं आपको अब तशरीह करके बता देता हूँ कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, गालिब कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे दिल को निकाल देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दिल में जो रहने वाले लोग हैं वो मिट्टी के अंदर खाक हो जाए। ठीक है, देखिए क्या है सोहेल, ये अब कोई लड़का ऐसा समझे कि यार ये शायरी खुशी एफ ईयर रिलेशन, नो देखिए देखिए देखिए, एक जर्नलिस्ट की भी अपनी एक सुहापी की भी अपनी एक लाइफ होती है, अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड है, लिमिटेड है, सही बात है, लिमिटेड है। लेकिन सोहेल हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कौम को सुधारने की। देखिए एक जर्नलिस्ट का मेन रोल होता है टू बिकम अ ब्रिज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉमन पीपल, राइट। अगर आप उस ब्रिज का काम छोड़कर किसी की वो कहते हैं ना कि पहलगरी कर रहे हो तो आप लोगों को धोखा दे रहे हो। साफ मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जनाब हमारा कौम उस दहाने पे है जहाँ पे हमारी यंग जनरेशन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। कल में एक हमारे पास एक बहन आई, उसकी कोई इश्यू थी, ये जो मैं अभी स्टोरी कह रहा था आपको, उसका इश्यू था, और वैसे मेरे से पूछा कुछ कि यार आपको इस बारे में पता है, अनफॉर्चुनेटली आप यकीन माने इसके बारे में उसको सारा कुछ पता था, इस पे इसको किस तरीके से गलत कर इस्तेमाल किया जाता है, उसको किस तरीके से गलत किया जाता है, लेकिन सही का मैंने उसको एक सवाल पूछा उसको पता भी नहीं था, बारहवीं जमात में ग्यारहवीं जमात में लड़की पढ़ रही थी। तो ये हालात है सोहेल, कुछ दोस्त बिछड़ गए जो इस दुनियाई फानी से अलविदा कर गए, ठीक है, उसमें मेरे अपने कुछ है जिसका मैं आपको कहूँ कि सबसे बड़ा दुख रहा कि मेरी जो नानी है वो मेरे से सबसे पहले ही चली गई जब मैं चूंकि स्ट्रगलिंग फेज में था तब, और कारण उसका ये था, हालांकि मरना हर एक को है, क्योंकि मुझे अभी वो वाक्य याद आ रहा है कि मैं ऐसे ही तब मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गाड़ी भी दी है, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बोस लोकल गाड़ी में खासान तवासन मतलब और सोमस और सोमस ऑफिस में छूस शीनस में सोहेल अभी तो बर्फ है ही नहीं ना, शीनस में उस बहबत 14-14 किलोमीटर गाड़ी पर पैदल वसान वातन काम पेट। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो मैं 5-6 ऐसे जो आप तो वॉइस ऑफ कश्मीर पे देखते हैं, जम्मू लद्दाख विजन जो एक हिंदी न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर है लीडिंग है जम्मू के अंदर, मैं उसका एज मैनेजिंग एडिटर हूँ पूरे जेएंडके के अंदर, कश्मीर टॉक इंग्लिश न्यूज़पेपर पर वहाँ उस पर मेरी डेजिग्नेशन एज मैनेजिंग एडिटर है, हिंदुस्तान तहलका के साथ काम कर चुका हूँ, डेली सच न्यूज़ के साथ काम कर चुका हूँ, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है अभी तक, अगर इवन गुड मॉर्निंग कश्मीर के साथ काम कर चुका हूँ, मोर देन अभी 14-15 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर मैं काम कर चुका हूँ। बट अल्लाह ने एक चीज़ मैंने आज तक किया है, मैं फटा जूता लगा के चला हूँ, छनमत बूट लगी उसमें पाकन, छनमत कमीज लगी शेन सातन दहन उसमें कमीज लगी, लेकिन अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, और आज उसी का कारण है कि अल्लाह मुझे किसी के सामने मतलब सर नहीं झुकाने देता। साइकिल स्पीड कमीज कोई साथ रिपोर्टिंग कर था ही नहीं, साइकिल आता कहाँ से, पैसे ही नहीं थे, साइकिल भी नहीं था, मैं था ही नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 रुपया दिवा गरीब किराए बस कुछ करा बचना बचा वो उस और लागन पता वो रुपये बचन तुम उस बे दुख खतर थान वो जमा कर अगर हफ्ता सामान रुपये 60-70 रुपये पता सू बे हफ्ते यूज कर। तो क्या अब माँ बाप इस फील्ड में आपके खुश है? आप यकीन मानेंगे आज जब मैं सुबह सोया ही होता हूँ मेरा बाप आता है, इमरान साहब घर आए होते लोग मिलने के लिए, हालांकि बुश का पब्लिक मतलब मैं सिंपल कह रहा हूँ एक जर्नलिस्ट लोगों का खादिम है, सही बात है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सोहेल ये सिंपल वर्सन में कि अल्लाह आपको जितनी इज्जत दे रहा है ना एक चीज से दूर रहो, इसमें सैनिक नौजवान तकब्बुर से दूर रहो, मतलब ये क्रेज होना एटीट्यूड होना उन चीजों को दूर रखो,
जितना आप ऊपर जाएंगे लाइफ में इज्जत मिलेगी, उतना आप डाउन टू अर्थ रहो। आप देखो अल्लाह आपको कितनी इज्जत से नवाजता है। और दो चीज़ों में अल्लाह से गुजारिश, मैं आप लोगों से लोगों से गुजारिश करना चाहें चैनल बीच कि अल्लाह तला से जो अख दुआ करान ये सुबह विशन वथन जो कोई भी जब अल्लाह के सामने रजू करता एक दुआ जरूर मांगा करना कि अल्लाह जलालत से पहले मौत दे, जिलत ब्रोट दिज मौत। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट सोहेल आप भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पर्टिकुलरली गांधरबल के अंदर। मैं आपके इंटरव्यूज देखता हूँ, पर्टिकुलरली कई सारे लोग ऐसे इंटरव्यूज देखता हूँ, लोग मुझे आते हैं कि भाई आप चूंकि अब आप भाई हो, आपने कहा कि यार बात करने में तो मैं आ गया आपके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी, अभी मैंने बस 10% किया, 90% अभी करना बाकी है। तो आखिर पर खास करके ये लोग जो है ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या शेख इमरान की शादी हुई है? देखिए शादी हाल ही में मैंने अपने हमारे मेरे भाई की हुई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन है मेरे बड़े भाई की। देखिए शादी तो मैं तब करूँगा मतलब घर वालों की मर्जी से, क्लियर साफ है, अपनी मर्जी तो मैं चला नहीं सकता इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये इख्तदार और हक मैंने अपने माँ बाप को दिया है, जो भी उनको अपने तरीके से पसंद आए जिसको भी वो चाहे। जनाब शेख इमरान का लबाइक है, क्योंकि मैं अपने बाबा माँ बाप से ऊपर नहीं निकल सकता, जब भी उनका यू नो रजामंदियों की आजा बेटा देख ले मैं रेडी हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि शादी हालांकि सुन्नतों में से अजीम सुन्नत जो है निकाह ही है। सही बात। हाल ही में मैंने भाई की शादी की है, मेरे भाई बाप चूंकि आज की शादी छंद साल आप भी जानते हो, और इंशाल्लाह मेरी भी शायद 1-1.5 साल में आने वाले वक्त में होगी, और जब होगी तो इंशाल्लाह सभी न्यूज़पेपर्स पे अखबारों पे छपी होगी कि शेख इमरान की शादी हुई है। बट इतना ज़रूर कहूँगा आप जैसे लोगों की सहेल ज़रूरत है कौम को, पूरे कश्मीर की कौम को, और आप जैसे सहाफ़ियों की वजह से ही आज कुछ लोगों का जो इंसानियत फील्ड स्पेशली इसी जर्नलिज्म आपके हाथ में जो लोग कैसे लोग जो बस नहीं माइक है यार ये क्या है, लेकिन उनको ये इसका वैल्यू पता नहीं होता है। आपको पता है हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास या हमारे जो अफसरान है उनके पास वेपन रहता है, वेपन्स रहते हैं, गन्स रहते हैं। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को कहेंगे ना वो आपको साफ कहेगा कि जनाब मुझे अपने उस हथियार से उतना डर नहीं लगता जिसने जितना मुझे इससे लगता है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो दुनिया को पलट सकती है और जो कौमों को बदला सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली इसे एक सही तरीके में इस्तेमाल करने की जरूरत है। और अगर कोई गलत कर रहा है, सहाफत का काम है, सहाफी का काम है, क्योंकि एक से अगर 10 लोग मुतासर हो रहे तो उस एक के बारे में आप आवाम को बता दो और 10 लोग बच जाएंगे, तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है लोगों की। तो आखिर पर खासकर कई नौजवान, कई हमारे सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो डिप्रेशन का शिकार है, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे आखिर पे? सिंपल एक ही मैसेज है, डिप्रेशन का दवा एक ही है, वो है नमाज। डिप्रेशन की दवा एक ही है। अगर तो प्रॉब्लम छो मैं बोने से पन सोल अत लास्ट आज नियर गाड़ी मैं फॉर एग्जाम्पल पोस्ट चंदस कहीं मेन दिल मुतमैन रीजन पा क्या मे भरोस कमिस पे हर एक का है बहुत दपा मे युत लेकिन आप जब आपका दिल उदास हो, जब आपको डिप्रेशन का शिकार हो, स्ट्रेस आपको हो, ये चीज़ें पॉसिबल बस रात के बीच में है, अल्लाह और इंसान के इंसान बंदे के दरमियान रात के समय पर आप देखो अल्लाह की कसम अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली ना मैं शेख इमरान अपना नाम बदल दूंगा। बस यही दवाई है जना, मैं कहूंगा आप किताबें पढ़ो, आप इंटरनेट चलाओ, नहीं नहीं नहीं, आप बीइंग एज अ मुस्लिम है साफ है, क्योंकि हमारे पास वाजिया कुरान है। सही बात है। अगर से डिप्रेशन का शिकार छुक भी कुरान खोल सुकून मिली दिलस, देखिए डिप्रेशन क्या आसान बेकरारी दिलस ठीक ना, डिप्रेशन सुकून सुकून दिल का सुकून कुरान है। सही बात। दिल का सुकून अगर मतलब डिप्रेसिव चुक स्ट्रेस चुक भाई नमाज पढ़, तहज्जुद पढ़, अल्लाह से गुजारिश कर। तो ये भी हमने सुना कि शेख इमरान तहज्जुद भी पढ़ता है। देखो भाई वो अल्लाह और इंसान के बंदे के दरमियान है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो कुछ भी देन है अल्लाह की देन है, और तब अल्लाह ने बिन मांगे भी बहुत अता किया, लेकिन जब जब भी मैंने अल्लाह के सामने रुजू किया है किसी चीज हाजत खतर अल्लाह ने मुझे वो अता किया, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप दिल से अल्लाह की ओर रुजू करेंगे, और जो इस वक्त अशद जरूरत है हमारे कौम के लिए। चलिए सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत कर रही थी शेख इमरान भाई। तो कई लोग जो है ये भी सवालात उठाते हैं कि शेख इमरान शायद घमंडी है, एरोगेंट है, लेकिन अगर बात की जाए मेरे करीबी दोस्त है, नहायत ही नरम तबीयत के मालिक है और अच्छे तबीयत के मालिक है, और ज़्यादातर जो है फोकस ये भी ऐड जरूर करना चाहूँगा ये चूँकि आपने घमंड की बात करी तो ये कई कुछ लोग अपनी रिपोर्ट आप भाई हो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये आप देख सकते हो
वनकस तर तुम वो ब्रोह कह बिहित ये फोन आए वन तक अकवु फोन त्रोव फोन बह सा मैसेज पर्न सही ठीक ये फोन तक बह सम लूकन बसान यह रिप्लाई दिवान कमी शायद लेकिन बहुत तिमन माफी मंगान अगर कंस आप मेरे सब रबा करो फोन हूँ कर डायरेक्टली अगर नक्स मैसेज आज जवाब दिवान मोन मानने आफिस दरवाज यल प्रेस कॉलोनी मे आफिस दरवाज लूकन हद खर यल तथा पकड़ मगर अगर कंस दिलस मह रूद गुलज माफी मंगान तमें खुद गई माफी। चलिए सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरुक राम आज के इस स्पेशल पेशकश में इतना है और जिस तरीके से इमरान भाई ने यही बताया कि डेथ इज़ बेटर देन लाइफ ऑफ ह्यूमिलेशन जिल्लत की ये जिल्लत की जिंदगी से बेहतर जो है मौत है। तो इसीलिए कहते हैं कि इफ ए मैन थिंक माउंटेन्स कैन बी मूव्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इट स्लिप्स इज आई इम्पॉसिबल वन इज इम्पॉसिबल इज पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल सब कुछ जो है मुमकिन हो सकता है जब आप अच्छी तरह से अपना काम जो है सर अंजाम देंगे। तो अपनी सोसाइटी को आप कुछ दीजिए तब ही आप जो है अपने देश को भी कुछ दे सकते हैं और अपने सोसाइटी को जो है बदल सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना ख्याल इस दुनिया में सब रखते हैं लेकिन आप अपने माँ बाप का आप उनका भी ख्याल जरूर रखिएगा जिनका इस दुनिया में रब के सिवा कोई ख्याल नहीं रखता। खुदा हाफिज़।